हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में एक लेक्चर हो चुका था, उसमें सारी कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो जैसा कि काफी कुछ आपने पढ़ चुके हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ उसी के आगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो पहले एक पहला क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको समझना है। जैसे रेडियस है, सेंटर है, इस तरह की वैल्यूज हमने लास्ट टाइम बताई थी, सारे फार्मूले वन बाई वन करके बताए थे। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉस थीटा प्लस टू वाई साइन थीटा माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, और इसकी रेडियस बतानी है। तो सर्कल की एक इक्वेशन गिवन है और आपको रेडियस बतानी है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। रेडियस का फार्मूला आपने पढ़ा था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर पार्ट वन आप अटेम्प्ट करिए, उसको आप सारे क्वेश्चन देखिए, मतलब अटेम्प्ट करिए, मतलब सारे उसके फार्मूले पहले देखिए, फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए पूरा सॉल्यूशन देखिए कैसे बताया गया है। तो पहले आप पार्ट वन देखिए, फिर उसके बाद ये वाला। तो इसमें देखिए, अगर आपको याद है, बेसिक नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको सारे फार्मूले अच्छे से याद है, सर्कल के सारे फार्मूले याद है अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के अंदर, तो ये रेडियस आ जाएगी। अब यहाँ पर जी कितना है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स से कंपेयर करेंगे तो जी कितना है, कॉस थीटा। इसी प्रकार प्लस टू एफ वाई, तो एफ कितना हो गया, टू एफ वाई, एफ हो गया साइन थीटा, प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो सी कितना हो गया माइनस एट। यहाँ पर सी अगर माइनस एट है, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बताया था, सी कितना है माइनस एट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस एट। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो वन प्लस एट कितना हो गया, वन प्लस एट नाइन हो गया, यानी कि रूट नाइन आंसर विल बी थ्री हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें डायरेक्ट आपसे रेडियस पूछी गई थी। आगे कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए उसके लिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 5.3 टू द सर्कल दिस बी 7, यानी कि एक सर्कल है और एक बाहर कोई पॉइंट 5.3 है, इस पॉइंट पे इसमें टेंजेंट बताइए। दो टेंजेंट खींची जा सकती है इसमें, पहली टेंजेंट ये हो गई, टेंजेंट है तो इसको टच करते हुए जाएगी, और सेकेंड टेंजेंट इसी प्रकार यहाँ पर ये हो गई। दोनों टेंजेंट जो होगी, ये टच कर रहा है, ये एक टचिंग पॉइंट है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होती, और वो कितनी है ये क्वेश्चन में गिवन है कि 7 है। अब आपसे ये पूछा है कि ये जो के लिखा है यहाँ पर, ये के की वैल्यू कितनी है, देखिए के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे क्या पूछ रहा है के कितना होगा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। तो लेंथ का फार्मूला लिखा था, आपको याद होगा लेंथ में क्या फार्मूला बताया था, लेंथ का फार्मूला क्या बताया था आपको याद होगा, अंडर रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह और y की जगह 3 पुट कर देंगे, यानी x1 और y1 होता है, बाकी रूट लग जाता है और वही लेंथ होती है। यानी कि लेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस जो भी लिखा है x की जगह x1 और y की जगह y1, x1 y1 क्या है, ये पॉइंट है, इतना लिख देते हैं और वही लेंथ होती है। यानी कि 5.3 से अगर ये सर्कल जो है वो ये है, इस सर्कल में अगर लेंथ की बात करें तो कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह 5 पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, वाई की जगह क्या पुट करना है 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स की जगह 5 यानी कि प्लस 10 हो जाएगा, वाई की जगह 3 यानी कितना हो गया 3 के हो जाएगा, प्लस 17 इतना हो गया, ये क्या हो गया आपका लेंथ हो गया। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 7 है, क्वेश्चन में लेंथ कितनी गिवन है 7 गिवन है, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है के की वैल्यू। अब बताइए अगर दोनों साइड होल स्क्वायर, पहले इसको ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 9 34 प्लस 17 61 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया रूट के अंदर 3k प्लस 61, लेकिन अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, इधर 49 हो जाएगा, 61 को उधर ले जाइए तो 3k = -12 हो गया, ये इधर घट गया, k = कितना हो गया -4, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, आपसे k की वैल्यू पूछ रहा था, आंसर विल बी -4, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, -4 बस यही आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, लेंथ आपकी निगेटिव नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहा है, लेंथ तो गिवन है 7, k की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए k का डायरेक्ट आंसर आ गया -4।
बिल्कुल इसी प्रकार अगर लेंथ पूछता तो लेंथ के लिए भी फार्मूला लगता, आपका लेंथ आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन देखे आगे बढ़े हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्योंकि रेडियस पूछ रहा है और क्या कह रहा है, दिस टेंजेंट वाई एक्सिस एट 0.3 है कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट एक्स एक्सिस, यानी समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.3 को टच कर रहा है, एक सर्कल है 0.3 कहाँ होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक सर्कल 0.3 को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को 8 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कितना कट कर रहा है 8 इंटरसेप्ट, तो जो सर्कल है वाई एक्सिस को 0.3 पर टच कर रहा है ये 0.3 हो गया, एक पॉइंट हो गया 0.3, तो एक सर्कल ऐसा बनाना है जो वाई एक्सिस को 0.3 में टच करता है और एक्स एक्सिस को 8 इंटरसेप्ट काट रहा है, कितने यूनिट, 8 यूनिट एक्स एक्सिस काट रहा है, तो इस तरह का कोई सर्कल बन सकता है क्या, इधर भी बन सकता है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 0.3 को टच करेगा 8 इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को काट रहा है तो इधर भी बन सकता है। हमें क्या बताना है, रेडियस बतानी है, तो रेडियस दोनों सर्कल का सेम आएगा तो किसी भी साइड बना लीजिए आंसर सेम आने वाला है क्योंकि रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस चलिए बना देते हैं, तो सर्कल एक इस साइड बना देते हैं, सर्कल कैसे बना दिया, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, जैसा है सब सही है, 8 यूनिट यहां से यहां तक 8 यूनिट है ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये 8 यूनिट कट कर रहा है 0.3 से टच करते हुए जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस जो है इसकी टेंजेंट कहलाएगी, अगर ये टेंजेंट है, अब हमें रेडियस चाहिए, देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच दे इस तरह से, टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लीजिए ये सेंटर है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो सेंटर है तो टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्या किया आपने, फिर से समझिए, इस पॉइंट से सेंटर से, सेंटर से या फिर आप ये कहिए सेंटर से टेंजेंट पे, टेंजेंट पॉइंट को अगर टच करते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, तो हमने 90 डिग्री एंगल पे इस तरह से एक लाइन खींच दिया तो वो टेंजेंट यानी कि ये जो लाइन है ये सेंटर से होकर जाएगी, तो सेंटर यानी कि यहाँ कहीं पर होगा इसी लाइन में, तो मान लीजिए ये एक सेंटर है, क्लियर है, अगर ये एक सेंटर हो गया तो इस सेंटर से इसमें अगर परपेंडिकुलर ये एक कॉर्ड AB मान लीजिए जो कि 8 यूनिट है, अगर इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ता है, ये आपने पहले कभी पढ़ रखा होगा, याद है कि कोई भी कॉर्ड यानी कि जीवा है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कितना कितना हो गया 4 और 4, क्योंकि ये क्वेश्चन में 8 यूनिट दिया था, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां 0.3 का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक 3 है तो यानी कि यहां से यहां तक भी 3 होगा क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 तो ये भी 90 हो जाएगा और ये तो 90 है ही, ये सब 90 90 90 है तो एक तरह से ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, सारे 90 90 हो गए, स्क्वायर नहीं बोलेंगे रेक्टेंगल, सारे एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर भी हो सकता था पर ये 3 है और ये 4 है तो ये 4 से ज्यादा होगा तो स्क्वायर तो वैसे भी नहीं हो सकता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 3 है यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 4 है, हमें चाहिए रेडियस, तो अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें OA को, किसको मिला दें OA को मिला दें इस तरह से, बताइए OA रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्योंकि सेंटर से अगर हमने किसी भी सर्कल के पॉइंट को मिला दिया तो वो रेडियस कहलाती है, तो ये OA रेडियस हो जाएगा। अब आपको यहां से यहां तक 4 दिख रहा है, यहां से यहां तक 3 दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं, यानी कि आप डायरेक्ट भी याद होगा आपको 3 4 5 का पेयर बनता है, ये 3 है ये 4 है तो रेडियस कितनी हो गई 5, बस यही आपसे पूछ रहा था, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपसे रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस कितनी हो गई 5, क्लियर है इतना, तो यानी कि आपको बस क्वेश्चन में समझना है क्या दिया है कैसे दिया है क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे और फिर भी फिगर में कन्वर्ट करने के बाद बस उसी में हम लोग कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे, रेडियस कहाँ है क्या वैल्यू कितनी दी है, जैसे यहाँ 3 लिखा 4 लिखा ये वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ सर्कल टचिंग द लाइंस x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द
द नंबर ऑफ सर्कल पूछ रहा है, जो कि नंबर ऑफ सर्कल पूछ रहा है जो किसको किसको टच करता है, किसको किसको टच करता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी को टच करते हुए जाता है। इन तीन लाइन है, लाइन की एक क्वेश्चन है, इन तीनों लाइन को टच करते हुए जाने वाले कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो किसका समीकरण होता है, वाई एक्सिस का, किसका होता है, वाई एक्सिस का। तो ये बच्चों हो गया वाई एक्सिस और इसका समीकरण हो गया एक्स बराबर जीरो, और थोड़ा ऊपर लिख दें एक्स बराबर जीरो। अब वाई इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ वाई को ए में इंटरसेक्ट कर रहा है, y इज इक्वल टू बी का मतलब हुआ y को b में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तो आपकी एक लाइन ये हो गई जो क्वेश्चन में बोला गया है, और दूसरा y इज इक्वल टू a का मतलब y इज इक्वल टू a यहां से यहां तक हो गया, तो ये y इज इक्वल टू a हो गया, और दूसरा y को b में इंटरसेक्ट कर ला, मान लीजिए यहां से यहां तक b हो गई, तो ये y इज इक्वल टू b का समीकरण हो गया। तो ये y इज इक्वल टू a है, ये y इज इक्वल टू बी है, ये वाई इज इक्वल टू ए और ये वाई इज इक्वल टू बी, और एक लाइन ये एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी वाई एक्सिस। बताइए ऐसे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं जो इस लाइन को और इस लाइन, तीनों लाइन को टच करे, ये आपको ग्राफ देख के बताना है, फिगर देख के ही बताना है कि ऐसे कितने सर्कल हैं जो इस लाइन और इस लाइन तीनों को टच करते हुए जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो ही सर्कल दिख रहा होगा, एक इधर सर्कल बनेगा जो कि इस लाइन और इस लाइन टच कर रहा है, और एक सर्कल आपको इसी तरह से ये इधर दिख जाएगा जो कि तीनों लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन और इस लाइन। देख लीजिए तो आंसर विल बी टू, आंसर कितने हो जाएंगे, यानी कि दो ही सर्किल आए। ये आपका चौथा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमने इसके पहले कराया था जिसका आंसर रेडियस 5 आ रहा था, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट आपको फिगर बना के समझा दिया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। आगे बढ़े हैं पांचवे क्वेश्चन में, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, 3 एंड 12, -1। ये कह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसके डायमीटर की एंड पॉइंट दिया हुआ है। ऐसा हमने लास्ट टाइम फार्मूला लिखाया था, बस डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करिएगा और आंसर आ जाएगा। क्या है, -4, 3 लिख लीजिए, -4, 3 और 12, -1, ये डायमीटर के पॉइंट, कोई भी डायमीटर हो सकता है, ऐसा डायमीटर भी हो सकता है, ठीक है, ये डायमीटर जरूरी नहीं कि सीधा सीधा वाला हो, डायमीटर इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनके इंड पॉइंट है -4, 3 एंड 12, -1। देख लीजिए ध्यान से, अब आप ये बताइए कि लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या होगा बच्चों फार्मूला, फार्मूला ये होता है x-x1, x-x2, +y-y1, y-y2 = 0, y-y1 और y-y2 = 0, दिख रहा है सभी को, y-y2 = 0। x-x1, अब x1 ये है, x2 ये है, x-x1 करेंगे तो +4 हो जाएगा, देख लीजिए x-x1, फिर x-x2 करेंगे तो x-12 हो जाएगा, y-y1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, y-y2 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई x है तो x² आएगा, फिर -12x और +4x कितना होगा, ध्यान से करिएगा -8x, फिर 12 × 48 यानी -48, इसी प्रकार +y² आगे लिखेंगे, फिर आगे कितना हो जाएगा, ये y और ये -3y यानी कुल मिला के -2y बन रहा है, क्लियर है इतना। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 आएगा = 0, यानी कि आपका समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गई, x² + y² - 8x - 2y, और जल्दी से जोड़ दो 48 और 3, यानी कि माइनस दोनों के हैं तो माइनस में दोनों ऐड जाए, यानी कि -51। आप देख लीजिए ध्यान से, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, माइनस
8x माइनस 2y माइनस 51 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतना? ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? पांचवा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डायमीटर का अगर आपको ये फार्मूला याद होगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट दिए होंगे तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, उनको डायरेक्ट आपका फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर से बोलिए, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इतना, यानी कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन बताना है। इसकी इक्वेशन बताना है टेंजेंट की, विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन बताना है, इस सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। किसकी बतानी है? टेंजेंट की। याद रखिएगा, टेंजेंट पूछा गया, हमने पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, मतलब कॉर्ड भी हो सकती है एक तरह से, या यहां पर सीकेंट बोलेंगे क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो यहां पर छेदक रेखा भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है, आगे पीछे बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कॉर्ड भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है, लेकिन टेंजेंट नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा, और ये आगे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हमें क्या करना है, मान लीजिए ये लाइन कुछ ऐसे है, ये लाइन है, ठीक है, और ये सेंटर है। अब आपको इसके पैरेलल लाइन बताना है, मतलब इसके पैरेलल जो लाइन है वो बतानी है, और वो इस सर्कल के टेंजेंट भी होनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट बताइए जो इसके विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, इतने जो इसके पैरेलल, ये लाइन की इक्वेशन ये है, इसके पैरेलल हो तो वो बतानी है, और इसकी टेंजेंट बतानी है इसके पैरेलल होनी। तो इसमें दो लाइन आपको दिख रही होंगी, कौन कौन सी दो दिखेंगी जो इसके पैरेलल है और इसकी टेंजेंट है? पहली लाइन आपको ये दिख रही होगी ऐसे, और दूसरी लाइन आपको ये दिख रही होगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? दो लाइन सभी तो दिख रही कि नहीं? अब बताइए इन दोनों लाइन को आंसर कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दीजिए। अब आंसर ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर बताइए क्या है। सेंटर आपको दिख रहा है 3, -2, याद है कि नहीं? प्लस 2 जी एक्स से क्लियर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जी की वैल्यू 3 आएगी, तो माइनस जी की वैल्यू माइनस 3 आएगी, तो माइनस जी कॉमन माइनस एफ होता है तो 3, -2 आ जाएगा। क्लियर है? क्या बताया था हमने? और इसका हाफ किया करिए नंबर का, और प्लस है तो माइनस लगा दिया करिए, माइनस है तो प्लस लगा दिया करिए, वही काम यहां करते हैं, इसका हाफ प्लस था तो माइनस, तो यानी कुल मिला के सेंटर आ गया 3, -2। रेडियस कितनी आएगी जल्दी से बता दीजिए, अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 9, प्लस हो चाहे माइनस हो स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर 4, माइनस सी होता है तो ये इधर आएगा तो -12 आएगा, तो माइनस सी आता है तो +12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? C कितना है, ये इधर लिखोगे बराबर 0 करोगे तो C की वैल्यू -12 दिखेगी कंपेयर करने से, जब -12 भी दिखेगी तो यहां पर होता है माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +12 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? रेडियस क्लियर है? तो रेडियस आपकी कितनी आ गई? 5, देख लो 13, 12, 25, अंडर रूट 25 है तो 5, यानी कि रेडियस 5 है इसकी। रेडियस और सेंटर आप निकाल सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन दिया है, तो यहां से यहां तक भी 5 होगी और यहां से यहां तक भी 5 होगी। इतना क्लियर हो गया क्योंकि ये रेडियस 5 है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन कैसे बताएंगे, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए कुल मिला के। अब देखिए लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम लोग सीधे से ही लिखा करते थे 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप सेम होगा तो इसको सेम लिखा करिए, 4x प्लस 3y अगर पैरेलल है तो यहां पर प्लस 3 लगा दीजिए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इस लाइन की भी इक्वेशन होगी और इस लाइन की भी इक्वेशन होगी। सी की वैल्यू हो सकता है 2 आए तो 2 अलग अलग, क्योंकि इक्वेशन है तो सी की 2 ही वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, वो 2 वैल्यू और पता कर लो कौन सी होंगी, बस यहां पुट कर देना वही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है इतनी बात। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होगी और पैरेलल लाइन में सी की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है कि ये आंसर है कि ये आंसर है। चलिए देखते हैं अब होगा क्या यहाँ पर। अब हम लोग आगे सी की वैल्यू कैसे निकाले ये सीखनी है। तो सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर या इस लाइन की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो 5 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बस ये पॉइंट 3-2 है, ये स्ट्रेट लाइन ये है, या ये कह दो ये स्ट्रेट लाइन ये है। इसकी परपेंडिकुलर का फार्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्ट्रेट लाइन फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इस पॉइंट से 3-2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है वो वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे बताइए, क्या करते हैं? x की जगह 3 रखना पड़ता है तो 4×3=12, y की जगह -2 रखेंगे तो -6, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट a² + b² होता है 5 आ जाएगा कि नहीं? सॉरी 5 आ जाएगा, इतना क्लियर है? तो बस आंसर आ जाएगा बराबर कितनी होना चाहिए, ये 5। अब यहाँ पर प्लस माइनस 5 दोनों चलेगा क्योंकि तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये प्लस माइनस 25 हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ रख करके लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। 6+c = +-25, अगर +25 है तो c बराबर जल्दी से बता दो 19, अगर -25 है तो -25 - 6, c बराबर -31। बस यही दो आंसर आ गए, यही दो आंसर हमारे हो जाएंगे। तो प्लस माइनस होगा, एक बार प्लस लेंगे तो 19 और माइनस लेंगे तो 31। क्लियर है इतना? तो बस आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या क्या आ गया, c की जगह आप एरो पुट कर देना। हमारे जो फाइनल आंसर है ये है 4x + 3y + c क्या है 19, तो +19 = 0 और अगला 4x + 3y - 31 = 0। दिख रहा है सभी को? तो ये दो आंसर हमारे फाइनल आंसर आ गए, ठीक है। चलिए जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो लाइन इक्वेशन आपको सेंटर बताना है, कौन है? x² - 8x + 12 = 0 दिया है और दूसरा बच्चों बता दीजिए y² - 14y + 45 = 0। दो लाइन ये है, दो लाइन ये है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जल्दी से चार लाइन बनेगी, दो इससे उससे गिरा हुआ वो स्क्वायर का शेप आएगा, उसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर बता दीजिए या रेडियस बता दीजिए, दोनों बता दीजिए। तो इसको x - 6 x - 2 लिख लेंगे, हो जाएगा फैक्टर सभी से, ये 9×5=45 होता है, y - 9y - 5 = 0। पहली लाइन x - 6 = 0 यानी कि x = 6, दूसरी x = 2, इस प्रकार इतना बराबर 0, y = 9y = 5। जल्दी से चारों लाइन बना दीजिए, कौन कौन सी होंगी। x = x को 2 में काटा 6 में काटा, ये 2 है ये 6 है यानी ये 4 है। अगला बताइए 5 और 9 में काटा वाई को, ये 5 है और ये 9 है, इतना क्लियर है? नहीं, सर्कल बन गया, बोलिए सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर सर्कल बन गया तो सेंटर बता दीजिए, सेंटर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, सेंटर बता दीजिए जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो सेंटर ये कितना हो गया, ये 4 है तो 2 कदम और आगे बढ़ेगा, यानी एक्स एक्सिस 4 हो गया, वाई एक्सिस कितना हो गया 5, ये है टोटल 9 था तो ये भी 4 था, ये 4 था तो 2 कदम ये भी ऊपर बढ़ेगा, तो 5×2=7, तो 4,7 सेंटर हो गया। रेडियस कितनी होगी आपको, ये 9 था ये 5 है तो ये 4 दिख रहा है, यानी कि ये 4 डायमीटर है, चाहे डायमीटर कितना होगा 4, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी देखो 4 दिख रहा था, 6 - 2=4, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी होगी 2। तो सेंटर है 4,7 और रेडियस है 2। और अगर आपसे इस सर्कल के इक्वेशन भी लिखने को कहे तो आप जल्दी से इक्वेशन लिख सकते हैं, x - 4x - x - 4² + y - 7² = r² यानी कि 2² लिखो चाहे डायरेक्ट 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इतनी बात बच्चों सभी को अच्छे समझ में आए कि नहीं, कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, x² + y² - 8x - 14y और 16 और 49 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे, जो भी आएगा उसको प्लस करके लिख देंगे, बराबर 0 आंसर आ जाएगा, मतलब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन किए आज, ये 7 नंबर क्वेश्चन था।
ठीक है। तो छह क्वेश्चन के बाद ये सेवन नंबर क्वेश्चन था, इस तरह से आपने सात क्वेश्चन किए, तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय बाय। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों।